देश में सरसों तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। बाजार में इस वक्त एक लीटर सरसों का तेल करीब 225 रुपए लीटर बिक रहा है। यही तेल इस साल की शुरुआत में 130 रुपए से 140 रुपए लीटर बिक रहा था। हालांकि बीते कुछ दिनों में सरसों तेल को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों के भाव में कुछ नरमी देखी गई है। भाव पर काबू पाने के लिए सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता दिखाई दिया है। ये तो रही खाद्य तेल की बात, लेकिन आज हम सरसों तेल से जुड़ी एक दूसरी बात करने जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जिस सरसों तेल को भारत में सबसे बेहतर खाद्य तेल माना जाता है, उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिका में अगर आप सरसों तेल खरीदेंगे तो उस पर यह लिखा मिलेगा कि यह केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, यानी कि आप वहां केवल इस तेल का इस्तेमाल मसाज या फिर अन्य किसी एक्सटर्नल यूज के लिए कर सकते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने सरसों के तेल को एक खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सरसों के तेल के इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। दरअसल सरसों के तेल में काफी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है। ये ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड और यूरिक एसिड होता है। वैसे तो हमारे शरीर को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत होती है। ये एक ऐसा वसा यानी फैट होता है तो शरीर के अंदर मौजूदा बुरे वसा को कम करता है, यानी कि बैड फैट को हटाता है। लेकिन अमेरिका के FDA के अनुसार एरुकिक एसिड का ज्यादा इस्तेमाल इंसान के लिए ठीक नहीं है। इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सरसों के तेल में 20-40% तक एरुकिक एसिड पाया जाता है। जानवरों पर इसको लेकर किए गए परीक्षण में पाया गया है कि इससे उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और दिल को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की एक पत्रिका मेडिकल न्यूज टुडे ने भी इस बारे में लिखा है कि खास उम्र के लोगों के लिए एरुकिक एसिड का उच्च स्तर खतरनाक हो सकता है, जैसे कि बच्चे। भारत सहित पड़ोसी राज्यों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने इस साल 8 जून से सरसों तेल में किसी भी प्रकार के अन्य तेल की मिलावट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पहले सरसों तेल में पाम और राइस ब्रांड तेल को मिलाया जाता था। वैसे 1990 में सरकार ने ही सरसों तेल में अन्य खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।